जैसे लैंडिंग होता है यहाँ पे हमको शॉटगन मिल जाती है और बंदा भी आ जाता है, तो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ फटाक से। और उसके बाद में मैं आगे चलता हूँ लूट करने के लिए, तो ऊपर एक बंदा आ जाता है ऊपर, तो मैं उसको फिनिश करता हूँ। और इसको फिनिश करते ही फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे एक और बोट आ जाता है, तो मैं इसको फिनिश करता हूँ आराम से। फिनिश हो जाता है, एक और बोट आ रहा है तो मैं उसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसको बच फिनिश करता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं इसको पूरा फिनिश कर दूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही होता है। ये लो काना दिया उसने, तो पता ही नहीं चला कैसे मेरी पेटी बन गई। और फिर दूसरे मैच में आ गया तो फ्री का माल और फ्री का किल झेलना किसको नहीं पसंद होगा, तो मैं उसको फिनिश करता हूँ। और एक और सामने बोट आ जाता है तो मैं उसको फिनिश करता हूँ, वो भी बोट फायर कर रहा है तो मैं फोर से उसको फिनिश कर देता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं अपने स्कूल वाले वेयरहाउस में, यहाँ पे जाते हैं, तीन बिल्डिंग रहती है वहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा टीम मेट एक को नॉक दे देता है और उसके बाद मैं नेट फेंक देता हूँ। लेकिन होता ये है कि मैं जैसे अंदर जाता हूँ वैसे जोन भी स्टार्ट हो जाता है, फिर भी मैं चला जाता हूँ अंदर। तो वहाँ पे ये करते हैं कि शायद वो रिवाइव देने की कोशिश कर रहा है लेकिन रिवाइव नहीं दे पा रहा, तो उसको उठा के लेकर चलने के, तब तक मैं उसको फिनिश करता हूँ। यहाँ ही पर मेरा टीम मेट नेट फेंक देता है मेरे ही ऊपर, तो यहाँ पे मैं बच के निकल जाता हूँ। और तब तक एक बंदा रहता है तो हम उनको फिनिश करके चिकन डिनर कर लेते हैं। आते हैं दूसरे मैच में, यहाँ पे मेरे को लूट में ये ओम मिली है और ये यूजी मिली है, तो मैं उसे नॉक करता हूँ। सामने में दो बंदे आपस में फाइट कर रहे, तो मैं सोचता हूँ उनको भी फिनिश करूँ। तो मैं आगे जा रहा हूँ तो पता चलता है वो भी बहुत ही हैं, तो बस मैं उनको ओम से फिनिश करता हूँ। एक को बॉडी शॉट लगा और उसके बाद मैं उसको नॉक देता हूँ और दूसरा वाला जो आता है उसको सीधा फिनिश हो जाता है, तो दोनों फिनिश हो जाते हैं। उसके बाद मैं आगे जो जा रहा हूँ तो यहीं पे एक कैंपर छुपा होता है, तो जो पीछे से डीपी लेके मेरे को मार देता है और मैं सीधा मेरे को लॉबी पहुँचा।